साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ NIOS क्लास 10 225 कोड नंबर पेंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पेपर में आने या इसी में से आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनकी अगर तैयारी कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से पास होंगे। जो आपके पास नोट्स हैं उनसे ही पढ़िए, जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाला है इसमें उनसे उसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ बिना आपका वक्त बर्बाद किए। और एक बात और बता दूँ आपको, अगर असाइनमेंट प्रैक्टिकल या जो है बुक वगैरह चाहिए, बुक के रूम गाइड वगैरह चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो से मौसूल होने वाली रक्कासा यानी रक्स करने वाली की अमूमी तारुफ दे। तो मोहनजोदड़ो से मौसूल होने वाली, मोहनजोदड़ो यानी एक जगह है जहाँ पे एक रक्कासा की वो मिली है, तो उसका तारुफ करें, मतलब एक बुत मिला है। ये बुत धात का बना हुआ है और गालिबा वादी सिंध के फनकारों की फनकारी और फनी महारत का बेहतरीन नमूना। तो जिन सिंध के जो फनकार थे उनकी फनकारी का ये बेहतरीन नमूना है, और ये जो बना हुआ है धात से बना हुआ है यानी मेटल का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि हाथ का मतलब मिट्टी वगैरह का, ऐसा नहीं। ये बुत काफ़ी दुबला लंबा और इसमें तालमेल है, जबकि इसे बरहना दिखाया गया है। बरहना मतलब इसमें कपड़े नहीं पहन रखे, इसके बाल टाई के तौर पर बंधे हुए हैं। वो अपनी कमर पर अपनी दायां हाथ और अपना बायां हाथ अपनी रान पर रखे हुए लेटी हुई हालत में है। अगरचे बुद्ध की ऊंचाई सिर्फ 4 इंच है, फिर भी ये बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, फिर भी ये कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, अगरचे इसकी ऊंचाई जो है सिर्फ 4 इंच है। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 के सियाह शहजादी की तस्वीर बयान करें। जो सियाह शहजादी है उसकी क्या तस्वीर है, ब्लैक प्रिंस यानी ब्लैक प्रिंस के, उससे भी आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक प्रिंस यानी सियाह शहजादी को जो है अजंता की पेंगुइन्स में बेहतरीन काम समझा जा पेंटिंग्स में बेहतरीन काम समझा जाता है। इस पेंटिंग्स में आज़ाद लकीरों का इस्तेमाल और मुसव्विर की फ़न से ज़हूर होने वाले आज़ा की बारीक हम आहंग, चेहरे की हल्की सी तिरछी और आँखों की तराशी, ये सब कुछ मुसव्विर की महारत और मुसव्विर की अपने पेंट ब्रश पर कंट्रोल की चंद मिसालें हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती से, बहुत ज़्यादा उसे समझ से, बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया, उनकी लकीरों को जो उसने बनाया वो एक तरीके से आप समझते हैं आज़ाद लकीरें कहते हैं कि भाई जहाँ घूम रहा है पेन वहीं घुमा रहा है, लेकिन आज़ाद लकीरों के साथ साथ उसके अंदर एक कंट्रोल भी है, उसको जो है महारत कहते हैं, ये कंट्रोल। अब इसके बाद है कि जहाँ तक के जो मुसव्विरी हज़ा हुई है वो रंगों की खूबसूरती को पेश करती है, हज़ा होती है वो रंगों की खूबसूरती को पेश करती है, यानी जो इसके रंग है उसकी खूबसूरती को पेश करती है। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, टेराकोटा क्या है। टेराकोटा 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में मुख्तलिफ सकाफतों और मजहबी घरों की अक्कासी करता है। टेराकोटा क्या करता है, मुख्तलिफ तकाज़ों और मजहबी घरों की अक्कासी करता है। मिट्टी के टाइलों पर उभरा हुआ मुख्तलिफ मजहबी तरीक़ों की अक्कासी करता है। तो टेराकोटा वो क्या है, 18वीं और 19वीं सदी में ईस्वी में मुख्तलिफ सकाफतों और मजहबी घरों के सकाफत और मजहबी घेर सकाफत कहते हैं कल्चर को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के शादी ब्याह को, वहाँ के प्रोग्रामों को, और वहाँ के मजहबों मजहबी घड़ों की अक्कासी करता है, यानी वहाँ के जो मजहब थे उनकी अक्कासी, मिट्टी की टाइलों पर उभरे हुए मुख्तलिफ मजहबी तरीक़ों की अक्कासी करता है, और जो मजहब के उनके स्टाइल थे, जो उनके रस्म व रिवाज थे, या जो भी उनकी मजहबी तौर तरीक़े थे उसकी क्या करता है, वो अक्कासी करता है। उम्मीद है वाला सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 4, कांता खुदाई के बारे में एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए। कांता खुदाई के बारे में एक मुख्तसर क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है।
इसमें क्या, बंगाल में कढ़ाई और लिहाफ पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई एक लोक रिवाज है। जो बंगाल है वहाँ पे कढ़ाई और लिहाफ पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई एक लोक रिवाज है, यानी उस पे जो है कपड़े वगैरह पे और लिहाफों पे, लिहाफ समझते हैं आप, सर्दी में जो होते हैं जैसे कंबल होते हैं, ब्लैंकेट, इसी तरह लिहाफ होते हैं जिसके अंदर रुई भरी जाती है, तो उस पे जो है कढ़ाई। इस मशक का नाम कांता है, ठीक है, कंथा, कंथा है। कंथा गैर इस्तेमाल शुदा पुरानी साड़ियों और धोतियों पर बनाया जाता है, ठीक है, जो ऐसी चीज़ों पर बनाया जाता है जो गैर इस्तेमाल शुदा होती है, पुरानी होती है, मतलब जिनको आप यूज में नहीं ला रहे होते हैं, आप चाहते हैं बेकार हो गई, किसी को दे दें या इसको जो है बर्तन वालों को दे दें, तो उन साड़ियों और धोतियों पर बनाया। इसको मोटा भारी बनाने के लिए शक्ल किया जाता है। बंगाल में तमाम रस्मों की ख्वातीन ये काम करती हैं, यानी सभी लोग, सभी ख्वातीन इस काम को अंजाम देती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करती, बल्कि सभी इस काम को करती हैं। कांठों की साड़ी के साथ साथ पुरानी साड़ियों की सरहदों यानी किनारों पर रंगीन धागों के साथ सिलाया सिलाया जाता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, फुलवारी तर्ज के बारे में मुख्तसर लिखिए। फुलवारी तर्ज के बारे में मुख्तसर लिखिए। फुलवारी का असल मानी फूलों का काम है। फुलवारी का असल मतलब क्या है, जिसमें फूलों का काम। इस नाम से मुराद एक किस्म की कढ़ाई है, ये भी कढ़ाई से रिलेटेड है, जो अक्सर पंजाब की दही खवातीन करती हैं, जो पंजाब की गाँव की रहने वाली खवातीन होती हैं वो इस काम को अंजाम देती हैं। फुलवारी का काम ज़्यादातर पंजाब की औरतें करती हैं। ये कढ़ाई का नाम छोटे और बड़े कपड़ों पर किया जाता है। कढ़ाई का जो ये काम है छोटे कपड़ों पे भी किया जाता है। ये कपड़े मुख्तलिफ मकासिद के लिए यानी किसी अलग अलग मकसद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पर्दे, सर ढांपने के लिए पहनने के लिए कपड़े, चादरें और बिस्तर वगैरह। बिल्कुल सही बात है, ये जो है जैसे सर ढकती हैं औरतें तो उस पर इस्तेमाल होते हैं, चादरें होती हैं, बिस्तर होते हैं घर के, उन पर करी जाती है। स्टाइल के ढापने वाले कपड़े के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो इसे जो है स्टाइली तौर पे किया जाता है। सवाल नंबर 6, इसके बाद जोरा की पैदाइशी तस्वीर बयान करें। 1486 में के आसपास सेंडो और पॉलिस्टली कबर ऑफ वकाफ के नाम से एक तस्वीर बनाई गई, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना आपके लिए। इस तस्वीर में कदीम यूनानी देवी वैंस को एक खोल से पैदा होते हुए दिखाया गया, यानी एक खोल से निकल रही है। लैंकी देवी दुनियावी मोहब्बत की जगह रूहानी मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है, मतलब खुदा की तरफ बुलाती है। एक मुकम्मल बालिग खातून के तौर पर जाहिर होती है, यानी जब वो निकलती है तो एक बालिग। इस तस्वीर में मौसमों की एक देवी मौजूद है, मौसमों की देवी जो जोहरा के फूलों से कढ़ाई वाला कपड़ा देती है ताकि वो अपने जिस्म को ढाप सके। दूसरी तरफ हवा का देवता हवा उड़ाता हुआ नज़र आता है। जोहरा इन दोनों के दरमियान मामूली करंसी में खड़ी है। जोहरा की गर्दन लंबा दिखाया गया है और बाया कंधा गैर मामूली अंदाज में झुका हुआ है। उसके जिस्म के हिस्से पतले और लंबे। ये सारी बातें जोहरा के बारे में है पैदाइश के वक्त। उम्मीद है वाला सवाल आसान था समझना। अब सवाल नंबर 7 है, मोनालिसा की तस्वीर बयान करें। मोनालिसा की जो तस्वीर है उसके बाद लियोना रोडो डाची 1452 से 1519 एक अतालवी मुसव्विर था। मोनालिसा 16वीं सदी में एक तेल वाली मीडियम में पहाड़ी लकीरों पर बनाई गई। ये तस्वीर एक खातून की है जिसके चेहरे पर पुर इसरार मुस्कुराहट है, जैसे वो देखने वाले का इस्तकबाल कर रही। मोनालिसा की तस्वीर में उसके चेहरे के बाल कहीं नज़र नहीं आते, आईब्रो और पलके भी नज़र नहीं आती। आईब्रो का मतलब ये होता है जो आँखों के ऊपर बनी होती, वो भी नहीं। पाटा पर एक मजबूत मुख्तसर नोट लिखें। पेटा का ये मुजस्मा माइकल एंजलो ने 1698-99 में बनाया था। ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है।
संगमरमर जो है जिसमें ताजमहल भी बना हुआ है, जिस ये मशहूर मुजस्मा क्वारी मरियम को अपनी गोद, क्वारी मरियम अपनी गोद में जाने ईसा को लाश उठाते हुए दिखाया गया। माँ बेटी और ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में मर चुके हैं। तो इस पिक्चर के बारे में अगला सवाल है, नई नाइस वॉच नामी तस्वीर की वजाहत करें। ये तस्वीर क्या थी? 1640-42 के दरमियान रैमजी द नाइट वॉच पेंट किया गया। इस तस्वीर में एक नौजवान कप्तान को अपने मातहत लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के गैर फौजियों को छोड़ने का हुक्म देते हुए दिखाया गया। ठीक है, वो अपने फौजियों को क्या दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि भाई आप इन्हें छोड़ो। इस पेंटिंग में रोशनी और साए को बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल, यानी रोशनी और साए को ऐसा दिखाया गया असर मौसर असर लगे। कप्तान ने काली वर्दी पर सुर्ख पट्टी बांध रखी है, कप्तान ने जो पहन रखी है वो काली वर्दी पहन रखी है और उसके ऊपर एक पट्टी बनी हुई सुर्ख यानी लाल। लेफ्टिनेंट और एक छोटी बच्ची को पीले रंग का लिबास पहने दिखाया गया। अब इसमें ये रंग फतेह की अलामत भी है। वहाँ एक सफ़ेद मुर्दा चूजा लटका हुआ है जो दुश्मन की शिकस्त की अलामत है। अगला सवाल है सवाल नंबर दस में देगा दूसरे तासुर प्रस्त फनकारों से मुख्तलिफ क्यों? जो देगा है वो दूसरे तासुर पसंद फनकारों से मुनसिब क्यों? फ्रांसीसी मुसव्विर एड ग्रे डेगना ने 1834 में डांस क्लास के नाम से एक पेंटिंग बनवाई। उन्होंने जो एक पेंटिंग बनवाई और उस पेंटिंग का नाम रखा डांस क्लास। दियागर तासुर प्रस्त फनकारों के बरक्स देगा ने फितरत से अपने कामों के लिए तहरीक नहीं मिली, उसकी बुनियादी दिलचस्पी इंसानी मौजूदगी में। तो उनका बुनियादी मकसद क्या था? इंसानी मौजूदगी। अगला सवाल है सवाल नंबर ग्यारह आपके सामने के पाल सीजा के काम स्टाइल लाइफ वर ऑनर की खसूसियत बयान करें। 1839-1906 पाल सीजा पोस्ट एम्पर पेस्ट दौर का फनकार था। कुदरती अशकाल की सादगी और बेसाख्ती उसकी पेंटिंग्स में नज़र आती है, मतलब उसकी जो पेंटिंग्स है वो उसने नेचर को ज़्यादा तवज्जो दी और सादगी। उसके मुताबिक फितरत में मौजूद हर शे को ज्योमेट्रिकल स्टाइल के ठोस शक्लों में तब्दील किया जा सकता, जैसा कि शंख सिलेंडर और क्यूब्स। वो मुसव्विर के तौर पर जाना जाता है जिसने तहरीरी बेशकल मुसव्विरी का फ़न मुतारफ़ कराया, यानी तहरीरी। बाद में इस फ़न में क्यूबनिज्म का आगाज़ हुआ, इसीलिए इसे इन्हें आर्ट ऑफ फादर ऑफ क्यूबनिज्म कहा जाता है। इसकी पेंटिंग स्टाइल वरेद ऑनर्स में एक जैसे रंगों की मुख्तलिफ रंगों की हमांग से मुख्तलिफ शक्लों को दिखाया गया जो किसी चीज़ में रोशनी और साए के नए मानी देते हैं। ठीक है जी, इनके बारे में था, आप इसे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। सवाल नंबर 12, चार सवाल और रहेगा 16 तक। क्यूबनिज्म पर एक मुख्तसर नोट लिखे। धनिज्म मुसव्विरी और मुजस्मा साजी का एक राज है जो 1907 के आसपास पेरिस में शुरू हुआ। 20वीं सदी के अवाइल में यानी शुरू में ये एक अहम रुझान था। केंजाइम क्यूबनिज्म का इल्म अलमबरदार था, यानी क्यूबनिज्म की जो शुरुआत करी इसी ने कर। उन्होंने कहा कि क्यूबनिज्म क्या है, यानी फितरत कुदरत के ऊपर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि फितरत में मौजूद हर चीज़ को सिलेंडर या गोला समझना चाहिए। पिकासो बिजम और लीजा के शुमार उस दौर के अहम फनकारों में होता है। सवाल नंबर 13 इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। कैंडिस्की के काम ब्लैक लेंस पर एक पैराग्राफ लिखे। तो यहाँ पे वेब्सली कैंडिस्की 1866 में रूस में पैदा हुए, वो अपने वक्त का एक मशहूर मुसव्विर और आर्ट थ्योरिस्ट समझा जाता था। कैंडिस्की तहरीरी आर्ट के बाप दादा में से एक है। पेंटिंग ब्लैक लॉन्ड्रिंग 1913 में बनाई, जैसा कि तस्वीर के उन्वान से ज़ाहिर होता है,
के लकीरें हिंदुस्तान में स्याही से खींची गई। इस मुजस्मे में तरतीब के मुताबिक तस्वीर की एक खास कोने में खींची गई लकीरें एक मुख्तलिफ मानी देती है। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 14। राजा रवि वर्मा की हैंस दयामयंती की तस्वीर बयान की। राजा रवि वर्मा हिंदुस्तान के मशहूर फनकारों में से एक हैं। उनकी जिंदगी केरला के छोटे गांव क्यूमिनेस में शुरू हुई। रवि वर्मा पानी और तेल के रंगों को अपनी रूपाती तकनीक के लिए काफ़ी शोहरत हासिल है। हंस दयामती राजाओं वर्मा के मशहूर तरीन तसानीफ में से उसे 1899 में ऑयल पेंटिंग के साथ बनाया गया और जब से इसे पहली बार मद्रास अब चेन्नई के फाइन आर्ट नुमाइश में दिखाया गया तो इसे सनसनी फैला दी। रवि वर्मा के मगरबी तकनीक का कामयाब इस्तेमाल से तस्वीर साफ नज़र आती है। उन्होंने मगरबी तकनीक अपनाई। अब है केंद्र नाथ टैगोर की मुसव्वरी अंदाज में। केंद्र नाथ टैगोर 1800 कोलकाता के टैगोर ख़ानदान में पैदा हुए। वो अपने हमासर हिंदुस्तानी मुसव्विरों में से एक अहम मकाम पर फाइज थे। केंद्र नाथ टैगोर नाथ ने फ्लैट ज्योमेट्रिक शेडो की शक्लों के रंगों से लेफ्ट की तस्वीर किया। उन्होंने अपने आर्ट पेंटिंग्स के हल्के रंगों और साए के जरिए हिंदी अशकाल और सादा शक्लें बनाना शुरू की। उन्होंने कभी भी मगरबी आर्ट के अंदाज की अंधी तकलीद नहीं की। अपने क्रिएचर के जरिए उन्होंने कोलकाता के मुख्तलिफ मनाजिर की तस्वीर की और कोलकाता के लोगों की तफरीही और मजाहिया ज़िंदगी भी दिखाई। मगरबी सकाफत से मुतासरीन बंगालियों पर उनका तंजिया खाका भी मशहूर है। तो ज़्यादातर इनकी पेंटिंग अलग अलग मौजू पर हैं, देखिए उन्होंने हंसी मजाक पे भी बनाई। अब इसका आखिरी सवाल है और उसके बाद ये पूरा हो जाता है। सोजा चप्त्र चैत्र के कर के बारे में मुख्तसरन लिखिए। नंबर एक, अलिफ नून एफ नून सोजा गो में पैदा हुए और मुंबई में परवरिश पाई। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, फिर उसने जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। 1945 में उन्होंने वहाँ से भी निकाल दिया गया। ठीक है, वो सबसे कम उम्र मुसव्विर थे जिन्होंने 1947 में तरक्की पसंद फनकारों में एक ग्रुप की बुनियाद रखी। बाद वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में रहने लगे। बाद में वे उन 5 फनकारों में से अलग थे जिन्हें बैन अल-अक़वामी सतह पर उनकी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया। तो देखा आपने किस तरह इन्होंने अपनी जो है मुसव्विरी को लोहा मनवाया और किस तरह ये कामयाब। उम्मीद है कि वाला क्वेश्चन पेपर जो ये इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपके लिए तैयार करे थे 16 समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो आप जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं क्या परेशानी आ रही है। और अगर आपको इस पूरे 16 क्वेश्चन की PDF चाहिए, पेड है वो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरे 16 क्वेश्चन की PDF सेंड कर दी जाएगी और आप हमसे असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब तरह की चीज़ें हासिल कर सकते हैं, उनके लिए हेल्प ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।